दिस इज मुकुल लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इन केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इससे पहले हमने तीन चैप्टर कंप्लीट किया, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम समझेंगे ये केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और हमें इसको पढ़ने की क्यों जरूरत है। जैसे कि आपने क्लास 11th में स्टडी किया है थर्मोडायनामिक्स में, व्हाट इज द स्पोंटेनिटी ऑफ रिएक्शन, माने विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, दिस रिएक्शन इज फीजिबल, बट अगर पूछा जाए कि ये रिएक्शन कब कंप्लीट हो सकता है, उसका रेट क्या है, तो वहां पे थर्मोडायनामिक्स क्या है, फेल हो जाता है। और यही एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन का रेट कैसा होता है, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या है, इसका हम स्टडी करने वाले हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में। जैसे अगर पूछा जाए थर्मोडायनामिक्स, आप पूछते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, तो थर्मोडायनामिक्स बोलता है क्या, आपका नंबर आएगा आएगा, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स बोलता है कि आपका नंबर जो है आज आएगा, कल आएगा या नहीं आएगा, ये सीधे बता देता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट क्या है रिएक्शन का, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि हाँ दिस रिएक्शन इज फिजिबल स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, बट कहीं नहीं बोलता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि उस रिएक्शन का रेट कैसा है, वो कब कंप्लीट हो जाएगा। वो केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इसका मतलब है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि कोई भी रिएक्शन का रेट कैसा है, रेट क्या है, रिएक्शन की रेट क्या है, उस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं और किस मैकेनिज्म से वो रिएक्शन प्रोसीड होता है, इन सारे टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो एक केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड इज द, सपोज ये हम मान लेते हैं रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, आर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो अगर हमें रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम ये देखेंगे कि हमारे इनिशियल स्टेज में कितना कंसंट्रेशन था और जिस टाइम पे हम रिएक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसकी रिएक्शन को रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि आफ्टर दैट टाइम कितना कंसंट्रेशन हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, सब कुछ हम मान लेते हैं कि T1 टाइम में हमारे पास कंसंट्रेशन था 1 लीटर इसे रिएक्टेंट का, और मान लेते हैं आफ्टर 30 मिनट्स के बाद जो है T2 हमारा 30 मिनट्स के बाद हम मान लिए हमारे पास 500 ml क्या है कंसंट्रेशन बच गया। तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो आपको पता है 500 ml क्या हो गया, चेंज हो गया, और टाइम कितना लगा, 30 मिनट लगा। तो 30 मिनट में 500 ml कंसंट्रेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब पर सेकेंड में या पर यूनिट टाइम में कितना चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करना चाहें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है या रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डेल्टा साइन डिनोट करेंगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़ते आए हो, कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था। तो चेंज ए चेंज है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, कितना हमारा टाइम क्या है, T2 - T1, इसको हम डेल्टा टी से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट को क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, वही प्रोडक्ट का लिखें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इसके लिए हम आगे क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे,
पॉजिटिव साइन। तो एक बात याद रखना है, निगेटिव और पॉजिटिव केवल क्या दिखाएगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है। अगर निगेटिव है तो किसका है, रिएक्टेंट का है। अगर पॉजिटिव है तो किसका है, प्रोडक्ट का है। बट रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निगेटिव नहीं होता है, एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव और पॉजिटिव केवल डिनोट करते हैं कि जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वो रिएक्टेंट का है आइदर की प्रोडक्ट का है। आप केवल इस बात पे ही क्या करना है, ध्यान देना है। अब थोड़ा कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों दो रिएक्शन है हमारे पास, इन दोनों रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम पीसीएल फाइव का देंगे तो पीसीएल फाइव क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है जब आप हीट दे रहे हो तो किसमें, पीसीएल थ्री और सीएल टू में। वही दूसरा रिएक्शन में नाइट्रोजन और अमोनिया क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं बाय द हेबर प्रोसेस। यहाँ पे आपका कैटलिस्ट होगा और टेम्परेचर होगा, इसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं अभी। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले बात करेंगे पीसीएल के केस में। अब पीसीएल का केस में अगर हम बात करें पहले वाला, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट किसका, हमारा पीसीएल फाइव का। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे कि रेट किसका, पीसीएल फाइव का, ऐसे अच्छा लगेगा देखने में, अच्छा लगेगा रेट किसका, पीसीएल फाइव का। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। तो माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और पीसीएल फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर हम इसका लिखें पीसीएल थ्री का, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इसका पीसीएल थ्री का हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन पीसीएल थ्री इज डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से इसका लिखें रेट सीएल टू का, क्या जाएगा, चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सीएल टू इज डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो हम ये देख रहे हैं कि हम रेट क्या कर सकते हैं, इजिली डिनोट कर सकते हैं। वही अगर हम इसका अगर हम रेट लिखना चाहें अमोनिया का, तो यहां क्या लिखेंगे, रेट नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट है तो माइनस होगा, माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन टू इज डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर मैं इसका लिखूं रेट इसका हाइड्रोजन का, तो यहां क्या होगा, माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। बट माय डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो स्टॉइकोमेट्रिक नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं था तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन जब स्टॉइकोमेट्रिक नंबर होंगे तो आप उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं पूछूं कि थ्री केजी आलू या पोटैटो का जो रेट है वो 60 रुपीज है, तो पर केजी रेट कितना आएगा, क्योंकि आपको रेट तो रिएक्शन तो पर सेकंड ही निकालना होगा ना, तो आप क्या करोगे, थ्री से डिवाइड ही तो करोगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे स्टॉइकोमेट्रिक नंबर होंगे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारा पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में हमारा क्या हो सके, कैलकुलेशन हो सके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, तो इस माइनस को हम आगे लगा देते हैं, माइनस 1/3 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से रेट किसका निकाल लें, अमोनिया का, अमोनिया का निकाल लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉइकोमेट्रिक नंबर है तो डिवाइड कर देंगे, अभी प्रोडक्ट है प्लस लिखेंगे, 1/2 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, अभी हम देखेंगे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि आप कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल देखते हैं हमारा, फॉर रिएक्शन 2A+B गिव 3C रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का क्या होगा, सी होगा, डिसअपीयरेंस क्या होगा हमारा, रिएक्ट सॉरी रिएक्टेंट हमारा डिसअपीयरेंस होता है, अब प्रोडक्ट का क्या होता है, अपीयरेंस होता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एट टाइम टी इज 1.3×10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट एट दिस टाइम, इसी टाइम पे पहला आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ए का डिसअपीयरेंस क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे रखते हैं और पहले हम बात करते हैं कि हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे कैसे। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले टी टाइम पे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको,
तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ या रेट ऑफ रिएक्शन, ओके रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखें तो हम किसका लिख सकते हैं, या स्टोइकोमेट्रिक नंबर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का माइनस वन बाई टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। फिर बी का हम क्या लिखेंगे, कोई स्टोइकोमेट्रिक नंबर नहीं है तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और इसका प्रोडक्ट का ए बी माइनस में होगा, प्रोडक्ट का क्या लिखेंगे, वन बाई थ्री चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डिवाइड बाई डेल्टा टी। माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि ये जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, इन सबका जो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू है, ये हम थ्योरेटिकली हम क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये सब इक्वल होगा। अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा आपको एक बात बता दूं कि आप यूनिट कैसे लिखोगे, इसका यूनिट क्या है, तो जैसे यूनिट क्या आप कैसे लिखते हो, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और हमारा टाइम क्या है, पर सेकेंड। तो अगर सेकेंड में रिएक्शन को डिनोट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं सेकेंड, मिनट में डिनोट कर रहे हैं तो मिनट लिख सकते हैं, आवर में डिनोट कर सकते हैं तो आवर लिख सकते हैं, डे में डिनोट कर रहे हैं तो डे इनवर्स हो सकता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है वो किसका दिया है, सी का, सी हमारा ए है, तो केवल इसकी वैल्यू दी जाती है। याद रखेंगे स्टोइकोमेट्रिक नंबर कभी भी उसके वैल्यू के साथ इंक्लूड नहीं होता है, तो ये जो वैल्यू है हमारा ये किसका है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो पहला आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम किसी भी फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम हमारे पास जो वैल्यू है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी का, तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, वन बाई थ्री यानी थ्री से डिवाइड कर दें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो हम पहला सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू वन बाई थ्री, इससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे जो आएगा वही हो जाएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारा हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे बी क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, तो हमें निकालना है इसको, और हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, इसकी वैल्यू है, ओके। तो हम इसको और इसको एक साथ रख लेंगे, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एक हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू वन बाई थ्री चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है, इस चीज का कैलकुलेशन करना है, तो ये टू इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब जैसे आपको इसकी वैल्यू यहां पे पता है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो अगर आप यहां पे वैल्यू रख दो, मैं इधर रख देता हूं, तो यहां पे आप लिख सकते हो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस रखेंगे 2/3, या यहां पे माइनस लगा देते हैं, माइनस यहां पे 2/3 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आप इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं, 2a प्लस बी मीन्स 3c, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हैं। फिर हमारे पास क्या है, जो वैल्यू दिया है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी का, इसकी वैल्यू है, तो हमने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये सॉल्व हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो ए का हमको डिसअपीयरेंस निकालना है, तो रिएक्टेंट है तो माइनस लिखेंगे, हमारा माइनस हो गया, तो 1/2 इसके इक्वल होगा, तो अगर हमें इसका निकालना है तो 2 को क्या कर देंगे, इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 और हमारा ये चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसकी वैल्यू यहां पे है, इधर पुट कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया। तो ये क्या है, हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना क्या है, बहुत ही इजी है कुछ नहीं, ओके। तो हमने समझा हाउ वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ
रिएक्शन। अब हम समझेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या है? अब जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा एक रिएक्शन है आर जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है टी। सपोज क्या ये रिएक्टेंट जब धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्या इसका रेट सेम रहा होगा? तो आपका आंसर है नहीं, इसका रेट सेम नहीं रहा होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में इसका जो कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन बहुत स्लो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हो, फास्ट हो गया हो। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंटायर रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, वो क्या होता है टाइम टू टाइम इंटरवल पे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब हमारे पास जो आर वन है और फाइनल मान लेते हैं आर टू है, इन दोनों के बीच में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं बोल दूं, एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। सपोज मैं 9 o'clock सुबह सुबह 9 बजे से रिएक्शन को शुरू किया और रिएक्शन 4 बजे खत्म होगा, 4 बजे खत्म होगा, इवनिंग में 4 बजे खत्म होगा। तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा रिएक्शन चला, तो क्या ये रिएक्शन का रेट 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक क्या इक्वल रेट में रिएक्शन हो रहा था? नहीं, इक्वल रेट में रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो अगर मुझे 9 बजे से 4 बजे के बीच में हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। हम एक थोड़ी लिखेंगे कि किस टाइम पे 9 से 10 बजे तक कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ था, 12 से 1 के बीच में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ था, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम 9 से 4 के बीच में डायरेक्ट कंसंट्रेशन चेंज कितना हुआ उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर मैं आपसे कहूं 9 बजे से हमने रिएक्शन शुरू किया, मैं बोला 9:45 पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं बोलूं 9:45:46 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था, या मैं बोलूं 10:10 o'clock पे या 10:10 पे 10:10 पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था, या मैं कहूं 12:30 पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था, 1:30 पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था, या 2:12 पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था, 3:59 पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था। मतलब अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर इंटायर रिएक्शन के दौरान अगर आप रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे यहां पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज या रेट, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में एवरेज। तो क्या हो जाएगा, माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर इज डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसी तरह के प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन यहां इक्वल कर देते हैं, क्या हो जाएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डिवाइड बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर यही हम रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें, रेट इंस्टेंट, तो हम क्या निकाल कैसे कर सकते हैं? अब यहां पे जो डेल्टा है वो मेजर चेंज को डिनोट करता है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्मॉल डी। स्मॉल डी किसको चेंज करेगा, स्मॉल डी जो है स्मॉल कंसंट्रेशन को चेंज करके दिखाएगा। तो यहां पे जब हमें पर टाइम पे करके कैलकुलेशन करना है, हमें ये पता करना है कि 12:30 पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था, 11:04 पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी। यहां पे हम क्या लिख देंगे डी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टी डिवाइड बाई डी टी। तो डी जो है वो स्मॉल चेंजिंग के लिए होगा और डेल्टा जो है वो लार्ज चेंजिंग के लिए होगा। तो डी जो स्मॉल चेंजिंग के लिए यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और जो हमारा कैपिटल है उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि पूरे रिएक्शन के दौरान एंटायर रिएक्शन के दौरान हमारे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, सेम चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो बच्चों वो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो पहला हमारा है कंसंट्रेशन। जैसा कि आपको पता है अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होने पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ
रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे हम टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में भी क्या है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। थ्योरेटिकली ये देखा गया है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे देखिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकली देखा गया है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। ओके वही अगर थर्ड बात करें तो हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना है, क्या कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, क्या बता पाएंगे? बिल्कुल, कैटलिस्ट जो है विदाउट कंज्यूम हुए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो फिर हम देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फोर्थ बात करें सरफेस एरिया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया। जैसे अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए, जैसे एक ब्रिज है, सपोज एक छोटा सा एक पतला सा ब्रिज है, अब उसमें केवल एक पर्सन ही क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो अगर वो एक पर्सन मूव कर रहा है तो एक ही रिएक्टेंट फ्लो करेगा, एक रिएक्टेंट पास करेगा, लेकिन उसी ब्रिज को अगर जस्ट डबल कर दे तो दो रिएक्टेंट पास करेंगे, उसको और चौड़ा कर दें, इतना चौड़ा कर देते हैं कि उसमें 10 लोग पास कर जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सरफेस एरिया जैसे बढ़ जाएगा वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक और बात कर सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, रेडिएशन के प्रेजेंस में होते हैं, हीट के प्रेजेंस में होते हैं, तो इन सब का भी इफेक्ट पड़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे जो सिलेबस में जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें 3 फैक्टर को यहाँ पे डिस्कस करने हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन से, ये कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ए ए बी बी गिव्स प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसा कि आप जानते हो। इसीलिए हम रिएक्टेंट का जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो निगेटिव लिखते हैं, स्लोप कहां जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, निगेटिव लिखते हैं, और प्रोडक्ट का हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि स्लोप कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहां पे अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसी चीज को एक साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग एंड बेर, उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो गुल्डबर्ग एंड बेर ने इस रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने के लिए यूज किया कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, तो हम लिख सकते हैं ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। ओके, लेकिन आप जानते हैं वो जो स्टोइकोमेट्रिक नंबर होते हैं वो कहां चले जाते हैं, पावर पे, इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, आप इक्विलिब्रियम में पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये हमारा है। लेकिन ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस स्टोइकोमेट्रिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके जगह हम यूज करेंगे, देखिए डिपेंड करता भी है नहीं भी करता है, मैं आगे बताऊंगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम कैलकुलेट करेंगे किस वे पे, एक्सपेरिमेंटली। तो यहां पे अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो मैं ये बोल रहा हूं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ए और बी पे डिपेंड भी करता है और नहीं भी करता है। इसीलिए हम क्या यहां पे यूज करेंगे, एक नया टर्म से यूज करेंगे, यानी हम यहां पे यूज करेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन अल्फा और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बीटा। इसी अल्फा और बीटा
को अगर हम जोड़ दें, अल्फा और बीटा को जोड़ दें, तो हमारा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो जो स्टोइकोमेट्रिक नंबर होते हैं, इस पे डिपेंड करता भी है नहीं करता, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इन दोनों पावर को अगर ऐड कर दें, इस पावर को ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात आपको बार बार बताना चाहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। अभी हम थोड़ा समझेंगे कि ये थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली का चक्कर क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं सीधा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे पावर को क्या करके, ऐड करके। तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और डिटेल में लिखें तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू, यहाँ के डाल देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के, कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा, वेयर के इज द रेट कॉन्स्टेंट, दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट। और ये जो के का जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे समय ऑर्डर रिएक्शन ऑफ चेंज होता जाएगा, के का यूनिट भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अब हमारे सिलेबस में केवल दो तरीके के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो हम याद रखेंगे, या मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, रेट जब कैलकुलेट आप लिखोगे, रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया, तो हम रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक नंबर होंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। तो अब इसी पावर को अगर हम ऐड कर दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ए और बी की जगह हमने अल्फा बीटा क्यों लिख दिया, मैं इसलिए लिख दिया कि ए और बी जो होते हैं ये रेट ऑफ, जैसे स्टोइकोमेट्रिक नंबर पावर पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट है इस पे डिपेंड करता भी है नहीं भी करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ए और बी की जगह हम अल्फा और बीटा लिख दे रहे हैं कि अगर ये नहीं करेगा तो यहाँ जीरो जीरो डाल देंगे, और करेगा तो हम यहाँ इसकी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये कैसे चेंज होता है। तो फिलहाल आप इतना जानेंगे कि जो भी यहाँ पावर होगा वो क्या होगा, उनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रेट जो होगा वो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ए टू द पावर अल्फा, कंसंट्रेशन बी टू द पावर बीटा। अब यहाँ के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, रेट है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आप हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।